बच्चों, मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए बच्चों, जब भी नया पार्टनर आता है इनटू द बिजनेस, तो वो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है। एक तो वो लेकर आता है कैपिटल, ताकि उसको बिजनेस की एसेट्स में अपना हिस्सा मिल सके, और दूसरा वो लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, ताकि बिजनेस के प्रॉफिट्स में भी उसको हिस्सा मिल सके। ठीक है बच्चों, तो अब जो नया पार्टनर कैपिटल लाता है वो तो उसके अपने पास रहती है, लेकिन जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, यानी अपने हिस्से की जो गुडविल वो कैश में लेकर आता है, उस पैसे को वो ट्रांसफर कर देता है टू द पार्टनर्स जिन्होंने उसके लिए अपने प्रॉफिट शेयर का सेक्रीफाइस किया है। तो जो भी प्रीमियम लाया जाता है बाय द न्यू पार्टनर, वो बांट दिया जाता है अमंग द सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स हु हैव मेड द सेक्रीफाइस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं और जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों इस टॉपिक से, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की सारी गुडविल कैश में लेकर आता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में देखिए बच्चों किस तरह से एंट्रीज बनाई जाती हैं। हमारी सबसे पहले एंट्री होती है बच्चों कि अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स में तो उसको राइट ऑफ कर दो। अगर कोई ओल्ड गुडविल अपीयर कर रही है इन द बुक्स या इन द बैलेंस शीट, एसेट साइड में अपीयर कर रही होगी, उसको राइट ऑफ करना है आपको। क्या करना है बच्चों? राइट ऑफ करना है, यानी खत्म करना है। और किस रेशियो में करना है? इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल का इस जो संबंध है वो पुराने पार्टनर से ही होगा, क्योंकि हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन नए सिरे से करते हैं। तो दैट्स वाई अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है, चाहे वो परचेज गुडविल क्यों ना हो, वैसे परचेज गुडविल ही होती है जो अपीयर कर रही होती है, उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब ये राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है वो देख लीजिए। माना हमारे पुराने पार्टनर हैं ए और बी और नया पार्टनर है सी। ठीक है बच्चों, माना पुराने दो पार्टनर हैं ए और बी और नया पार्टनर है सी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे तो आप कैपिटल जगह करंट अकाउंट लिखिएगा, लेकिन अभी मैं फ्लक्चुएटिंग ही मान रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऐसा करने से जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही होती है इन द बुक्स वो रिटन ऑफ हो जाती है, यानी बुक्स में खत्म हो जाती है। अब ये फ्यूचर में नई बैलेंस शीट जो बनाई जाएगी ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, उसमें शो नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी का पुराना रेशियो 3:2 था और पुरानी गुडविल जो अपीयर कर रही थी वो 10,000 रुपये थी, तो इस 10,000 को राइट ऑफ कर देंगे। तो 6,000 से हमारा ए डेबिट हो जाएगा, 4,000 से हमारा बी डेबिट हो जाएगा और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी ओल्ड रेशियो में। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहला काम, अगर कोई पुराने गुडविल अपीयर कर रही है तो यू हैव टू राइट इट ऑफ इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। क्लियर बच्चों? और जब एक बार बच्चों पुरानी गुडविल राइट ऑफ हो जाती है, फिर हम क्या एंट्रीज बनाते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नया पार्टनर जब आता है तो उसे अपने साथ दो चीजें लानी होती हैं। एक तो अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आनी होती है उसको, ताकि बिजनेस के एसेट्स में उसको अपना हिस्सा मिल सके, और दूसरा उसको लाना पड़ता है प्रीमियम फॉर गुडविल, ताकि बिजनेस के फ्यूचर प्रॉफिट्स में भी उसको हिस्सेदारी मिल सके। ठीक है बच्चों, तो लाने की एंट्री क्या होती है देख लीजिए। जब बिजनेस में पैसा आएगा तो आपका कैश या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और
माना नया पार्टनर सी है, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वैसे भी नया पार्टनर जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो बिजनेस में उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। ऐसे ही जो प्रीमियम वो लेकर आया है वो बिजनेस के लिए गेन की तरह है, और गेन बढ़ता है तो वो क्रेडिट ही होता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, माना सी जो है वो कैपिटल लाया ₹50,000, और माना वो प्रीमियम लेकर आया ₹20,000। सही है बच्चों, यानी ओवरऑल वो कितना कैश लेकर आया, 70,000। तो आपका कैश या बैंक का बैलेंस 70,000 से इंक्रीज हो जाएगा, और एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, आप जानते ही हैं। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कोई रेवेन्यू या इनकम बढ़ती है तो वो भी क्रेडिट होता है। दैट्स व्हाई ये एंट्री बनाई जाती है, फॉर द कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। क्लियर बच्चों, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, माना नए पार्टनर नाम सी है, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। क्लियर, अब बच्चों जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था वो तो उसके अपने पास रहती है, लेकिन जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था वो उसके अपने पास नहीं रहती है। ये पैसा वो उनको ट्रांसफर कर देगा जिन्होंने उसके लिए अपने प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस किया है, और ये पैसा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगली एंट्री उसी प्रीमियम को बांटने की होती है, और यहां पर मैंने आप लोगों को बताया ही था कि नया पार्टनर फिलहाल अपने हिस्से की पूरी गुडविल कैश में लेकर आया है। तो एंट्री बनेगी प्रीमियम को बांटने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी एक रेवेन्यू या इनकम या गेन जो था वो अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग द पार्टनर्स हु हैव सेक्रीफाइस देयर प्रॉफिट शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो माना मेरे पुराने पार्टनर कौन थे, ए और बी, और माना उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 है। ओल्ड रेशियो मैंने 3:2 लिया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका 3:1 ले रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, और ये पैसा ए और बी के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, और एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट आएगा, अगर फिक्स होते तो करंट अकाउंट का नाम आता। क्लियर बच्चों, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम में कितना डेबिट होगा, जितना वो गुडविल लेकर आया था 20,000, ए और बी को कितना कितना क्रेडिट करेंगे, फिलहाल 15,000 और 5,000, क्योंकि मैंने इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 ले रखा था, दैट्स व्हाई। क्लियर बच्चों, इतनी बात आगे समझ में। अब ये उन पार्टनर्स पे डिपेंड करता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स पे, कि वो उस प्रीमियम के पैसे को बिजनेस में ही रहने दें या उनको विड्रॉ करके अपने घर ले जाएं या बिजनेस से बाहर निकाल लें। ठीक है बच्चों, तो अगर वो ऐसा नहीं करते तब तो हमने जो एंट्री बनाई थी एंट्रीज वहीं खत्म हो गई, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने का काम कर लिया, कैपिटल प्रीमियम लाने का काम कर लिया, प्रीमियम को बांटने का काम कर लिया, दैट्स इनफ। लेकिन अगर वो इस गुडविल के पैसे को विड्रॉ भी कर लेते हैं, चाहे पार्टली या फुली, पार्टली का मतलब जितना मिला है सारा नहीं निकाल रहे, उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 50% या 60% निकाल रहे हैं, फुली का मतलब जितना मिला है सारा निकाल रहे हैं। तो अगर वो ऐसा करते हैं, गुडविल के मिले हुए पैसे को पार्टली या फुली विड्रॉ कर लेते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, तो एंट्री क्या बनेगी वो देख लीजिए। सपोज वो जितना उनको पैसा मिला था उसका 60% ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे ही पार्टनर प्रीमियम का पैसा विड्रॉ करेंगे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी,
यानी कि ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बिजनेस का साथ साथ कैश भी कम हो जाएगा। तो टू कैश या बैंक अकाउंट 15,000 का 60% होता है 9,000 और 6,000 का 60% होता है 3,600। तो कुल मिला के 12,600 उन्होंने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, सॉरी 15 और 5 बांटा था ना, 5,000 का 30% होता है बच्चों 3,000, तो 9 और 3 12,000 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले को हमने जो दिया था वो 5,000 दिया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 था, दैट्स व्हाई। तो 15,000 का 60% 9,000, 5,000 का 60% 3,000, टू बैंक अकाउंट 12,000, कैश या बैंक। तो इस तरह से ये एंट्री होती है अगर वो पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, प्रीमियम वाले पैसे को पार्टली या फुली। अगर उन्होंने सारा विड्रॉ कर लिया होता तो यहाँ पर पूरा 15,000 आता और यहाँ पर पूरा 5,000 आता, क्लियर बच्चों, और यहाँ पर 20,000 आता। इस तरह से ये एंट्री बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई वाली बात। तो कुल मिला के जो एंट्रीज मैंने बताई उनका एक समेशन या समराइजेशन कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहला काम होता है राइट ऑफ करने का, किसको राइट ऑफ करने का, पुरानी गुडविल को। दूसरा काम होता है लाने का, मैं हिंदी वाले वर्ड को लिख रहा हूं लाना, एल फॉर लाना यहां पर, ठीक है, इंग्लिश लिख रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। तो राइट ऑफ करना, लाना, राइट ऑफ किसको करेंगे, ओल्ड गुडविल को लाएंगे, क्या जो नया पार्टनर लेकर आता है कैपिटल ऑफ प्रीमियम। बी होता है बांटना, क्योंकि प्रीमियम वो अपने लिए नहीं लाता, बांटने के लिए लाता है, उन पार्टनर्स को बांटने के लिए जिन्होंने उसके लिए अपने प्रॉफिट शेयर का सेक्रीफाइस किया था। और अगला जो डब्ल्यू होता है वो होता है प्रीमियम के पैसे को विड्रॉ करना। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल जो मैंने आपको चार एंट्रीज बताई उनका एक सीक्वेंस है, उसे आप डब्ल्यू एलबीडब्ल्यू से याद रख सकते हैं। एलबीडब्ल्यू तो आपको वैसे ही याद रहेगा, क्रिकेट की एक टर्म होती है लेग बिफोर विकेट, लेकिन आपके लिए लेग बिफोर विकेट नहीं है, लाना बांटना विड्रॉ करना है, और ये जो डब्ल्यू है वो राइट ऑफ करना है ओल्ड गुडविल को, क्लियर बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये तो तभी होगा जब पुरानी गुडविल अपीयर कर रही होगी, ये तभी होगा जब वो प्रीमियम के पैसे को विड्रॉ कर रहे होंगे, लेकिन ये लाने वाला काम और बांटने वाला काम हमेशा चलता रहेगा, क्लियर बच्चों। तो लाने का काम और बांटने का काम आप करते रहेंगे हमेशा, ठीक है। ये दोनों चीजें तभी डिपेंड करती हैं जब क्वेश्चन में पुरानी गुडविल दे रखी हो या वो प्रीमियम के पैसे को विड्रॉ कर रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल सीक्वेंस यही होता है, राइट ऑफ करना, लाना, बांटना, विड्रॉ करना, जिसे आप इन शॉर्ट WLBW याद के तौर पे याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी जर्नल एंट्रीज बनाते समय रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंफ्यूजन नहीं होगा। आप पहले ही रफ में WLBW लिख लीजिए, फिर आप देख लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से कौन कौन सी एंट्रीज बन रही है, इसी सीक्वेंस में बनाते चले जाइएगा। जो राइट ऑफ होता है वो ओल्ड रेशियो में होता है, जो बांटना होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है, और विड्रॉ करने का काम भी नॉर्मली सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही हुआ करता है, क्लियर बच्चों। तो इतनी बात को याद रख लीजिए। अब मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसी से जुड़े हुए फ्रॉम द बुक TS ग्रेवाल, और जो बुक मेरे पास है उसका एडिशन 2022 मेरे पास है, तो उससे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। वैसे मैंने इनके सॉल्यूशन अपने चैनल पे पहले भी डाल रखे हैं, आप सॉल्यूशन के सारे एक साथ देख भी सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्लियर बच्चों। ठीक है बच्चों, बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूं दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ द बुक TS ग्रेवाल, एडिशन ऑफ द बुक है 2022। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको दो पुराने पार्टनर दे रखे हैं गोल्ड और सिल्वर, जिनका पुराना रेशियो है 2:5, कॉपर आया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है बच्चों, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है ₹14,000। आपसे एक तो इस क्वेश्चन में नया रेशियो मांगा गया है पार्टनर का, और दूसरा ये मांगा गया है कि प्रीमियम कैसे बटेगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स या अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो भी हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ क्वेश्चन। ये आइए बात करते हैं इसे सॉल्यूशन की। तो बच्चों हमारा पहला काम होगा इस क्वेश्चन में टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है बच्चों।
तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सबसे आसान टाइप है, जहां कुछ नहीं बता रखा होता कि कौन किसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन किससे क्या मांग रहा है। टोटल शेयर ऑफ द फर्म मान लीजिए 1, सी यानी कॉपर का शेयर आपको पता है 1/4 है, तो उसके बाद आप रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए, 1 में से 1/4 हटा दीजिए, यानी कि बचा कितना 3/4। अब इस 3/4 शेयर को गोल्ड और सिल्वर के पुराने रेशियो में बांट दीजिए ताकि उनका नया शेयर आ जाए। तो गोल्ड का नया शेयर आएगा 3/4 × 2/7 यानी कि 6/28। सिल्वर का नया शेयर आएगा 3/4 × 5/7 यानी 15/28। और रही बात कॉपर के नए शेयर की, वो तो हमें पता ही है, बस उसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लीजिए इनके डिनोमिनेटर के, तो वो 1/4 था, जिसे हम लिख सकते हैं 7/28। तो इससे इनका नया रेशियो आ गया 6:15:7। तो एक काम तो कंप्लीट हमारा, नया रेशियो निकालने वाला बच्चों, क्लियर ना। आइए अब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं, गोल्ड और सिल्वर का। तो गोल्ड का सेक्रीफाइस होगा बच्चों उसका पुराना शेयर जो कि 2/7 था, माइनस उसका नया शेयर जो 6/28 है, यह आ जाएगा 2/28। ठीक है बच्चों, सिल्वर का सेक्रीफाइस निकालेंगे, पुराना रेशियो 5/7, नया रेशियो 15/28, ये आ जाएगा 5/28। तो आप खुद देख लीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:5। तो इस तरह से हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ गया, जो कि ओल्ड रेशियो के बराबर ही था, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को निकाल के दिखा दिया। ऐसी टाइप्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आया करता है बच्चों, क्लियर बच्चों। आइए बच्चों बात कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज की। देखिए मैंने जर्नल एंट्रीज का सीक्वेंस बताया था, WLBW, राइट ऑफ करना, लाना, बांटना, विड्रॉ करना। अब मैंने इन दोनों का आगे क्रॉस इसलिए लगा दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी पुरानी गुडविल अपीयर नहीं कर रही और ना ही क्वेश्चन में कहा गया है कि वो प्रीमियम के पैसों को विड्रॉ कर रहे हैं। दैट्स वाई मैंने केवल दो चीज पे टिक किया, एल और बी पे, यानी लाने पे और बांटने पर। ठीक है बच्चों, तो पहली एंट्री लाने की, वैसे तो कैपिटल और प्रीमियम दोनों लेकर आता है नया पार्टनर, मगर इस क्वेश्चन में कैपिटल लाने की इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ प्रीमियम लाने की इंफॉर्मेशन है। तो कैश अकाउंट डेबिट, आप बैंक अकाउंट में डेबिट कर सकते हो। 2, कॉपर्स, नॉट कॉपर्स क्योंकि कैपिटल तो लाया ही ना, वो सीधा लिखिए 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसको हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते ही नहीं है, अलग से प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें डाल देते हैं 14,000। अब ये हो गया लाने वाला काम, अब आ जाइए बांटने वाले काम पर। बांटने की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, टू गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट, टू सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो प्रीमियम में आएगा 14,000, गोल्ड में आएगा 4,000 और सिल्वर में आएगा 10,000, क्योंकि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:5 है। जब आप 14,000 को 2:5 के रेशियो में बांटोगे तो यही अमाउंट निकलकर आने वाले हैं। यहां इनका ओल्ड रेशियो ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है, इसमें इतनी ही एंट्रीज बननी है बच्चों, क्लियर बच्चों।